बस इसी जगह हमारी बच्ची आई और चावल निकालने के जा रहे अच्छा बस इसी जगह नहीं नहीं ये मत अब जो होना था मतलब होना। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के औढ़ियार से आया और यहाँ पर सांप काटने से एक महिला की डेथ हो गई। मतलब महिला थी कि लड़की? अच्छा लड़की थी। अच्छा अच्छा मतलब एक 22-23 साल की लड़की की डेथ हो गई है सांप काटने की वजह से, और जो सांप है वो अभी घर के अंदर ही है। तो ऐसे में शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए चल के देखते हैं सांप कहाँ पर है, उसे सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर चाचा जी भी हैं, तो अभी हम लोग चल के सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करने वाले हैं और यहाँ के लोगों को अवेयर करने वाले, साथ में डेथ का रीजन भी आप सबको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और आगे से सांप काटने की वजह से किसी की भी डेथ ना हो। चलिए अभी जो होना था हो गया, लेकिन आगे से आप लोग जानिए वो किसको ठीक किया जानते हैं। जिसको बिना जहर वाला सांप काटा रहेगा उसको ठीक कर सकते हैं। जहरीला सांप काटेगा तो कोई माई का लाल झाड़ फूक से नहीं ठीक कर सकता, अगर कोई ठीक करता है तो डॉक्टर करता है। तो आगे से आप लोग जागरूक होइए, कभी इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ये लोग मौत के जो है मौत की दुकान खोल के बैठे हैं। इधर है चलिए बताइए कहाँ काटा, किधर था बच्ची को? अच्छा मतलब वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। नहीं ये तो दामन है दूसरा। घबराए नहीं, अरे घबराए नहीं, आप मत घबराइए, आप घबरा के सब सिस्टम गड़बड़ कर देंगे। वैसे आप लोग देख लीजिए इस सांप से जान नहीं जा सकता है। उनको ये सांप नहीं काटा है, उनको बच्ची को जो है ये सांप नहीं काटा है, दूसरा कोई सांप काटा होगा, क्योंकि ये बिना जहर का सांप है। इसको धामिन कहते हैं, आप लोग पहचान रहे हैं ना इसको? धामिन आप लोग सभी लोग पहचान रहे हैं इसको ना? धामिन हाँ। तो झाड़ फूक से अगर ये काट लेगा तो आप लोग झाड़ फूक से बच जाएंगे, लेकिन जब वही जहरीला सांप काटेगा ना तो वही लोग बोलेंगे आपने थोड़ा लेट कर दिया आने में, वही लोग कहेंगे कि आपने लेट कर दिया आने में, वहाँ पे वही रीजन हुआ होगा। क्या कहे वो लोग? यही बात कहे ना, और यही कहे ना, जब ये वाला सांप काटता है ना तो कुछ होता है नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि हम बचा लिए बचा लिए। ये सांप काटने से कुछ नहीं होता है, आप कहीं नहीं जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, आपको केवल एक टीटी का इंजेक्शन लगवा लेना है, कटलेट बस, बाकी और कुछ नहीं होगा। उस घर में है, चलिए उसको देखते हैं। भैया आप थोड़ा इधर बस रहिए बस। ये सांप पूरी तरह से नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर का है और इसके काटने से लड़की की डेथ नहीं हुई है। ऐसे में जिस जगह पर सांप ने काटा है हम लोग वहाँ पर जाके ढूंढने वाले हैं, क्योंकि अगर डेथ हुई है तो वहाँ पर कोई ना कोई जहरीला सांप होगा जिसकी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। क्या चीज़ है भैया? क्या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, एक ट्रेनिंग है एक तरह का, कोई मंत्र नहीं है। आप लोग अभी क्या लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ है? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ है, एक कला है, एक पढ़ाई है, एक तरह की ट्रेनिंग है। आज देखिए उसी के आज जो आप कह रहे हैं ना उसी के चलते बच्ची की जान गई। अगर आप लोग हॉस्पिटल गए होते तो बच्ची आज जिंदा होती। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नहीं बस भीड़ ना लगे, भीड़ ना लगे, ज्यादा लोगों को दिक्कत होगा, बस रहे दो चार पांच लोग रहे, कोई मसला नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ज्यादा मतलब। बस इसी जगह हमारी बच्ची आई और चावल निकालने के जा रहे। अच्छा बस इसी जगह। नहीं नहीं ये मत, अब जो होना था मतलब होना नहीं, सब हटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना, अभी सारा सामान निकालिए आप लोग, ठीक है? ये सब साइकिल वाइकल सब हटाइए, पूरा एकदम निकालना पड़ेगा। हाँ टर्न कर लीजिए उसको, या तो ऐसे पकड़ लीजिए ना, दो जने यहाँ से पकड़ लीजिए, हाँ नीचे से पकड़ लीजिए, उठा लीजिए। हाँ घर का पूरा सामान निकालने के बाद हम लोग इस घर के अंदर पानी भर रहे हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल है और सांप के कहीं पर भी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में हम लोग पूरे कमरे के अंदर पानी भरने वाले हैं। वैसे कुछ जगहों पर हमने खोद करके भी देखा लेकिन हमें सांप दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पर पानी भरना ही एकमात्र सॉल्यूशन था। ऐसे में पूरे कमरे के अंदर पानी भर के देखा जाएगा, अगर सांप
इस बिल के नीचे होगा, मतलब इस कमरे में कहीं पर भी होगा किसी भी बिल में, तो वो पानी भरने की वजह से बाहर आ जाएगा और हम लोग उसे पकड़ पाएंगे। देखिए ध्यान जी भैया, आप लोग मजाक में मजाक किए गए, यहाँ पे क्या क्या हो गया, क्या क्या घटना होगी, आप लोग को बस मजाक सोच रहा है, भीड़ जुटा के बस यही सब आप लोग कर रहे हैं। वही ना, यहाँ पे किसी का इतना बड़ा नुकसान हुआ, आप लोग को इस मौके भी मजाक सोच रहा है। पूरे कमरे में पानी भरने के बाद भी सांप का कुछ अतापता नहीं चला, तो ऐसे में हमने कमरे में ऊपर रखे हुए गोबर के उपलों को भी निकालने का निर्णय लिया। यहाँ पर कमरे में ऊपर कुछ गोबर के उपले रखे गए हैं जिसे हम लोग बाहर निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि सांप गोबर के उपलों में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि सांप उन गोबर के उपलों के अंदर भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने पूरे गोबर के उपलों को बाहर निकालने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पर सांप काटने से किसी की जान जा चुकी थी और हम लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा से सांप काटने की वजह से कोई अनहोनी हो। वैसे सांप काटने के बाद अगर सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो जान जाने की संभावना ना के बराबर रहती है, मतलब अगर आप सही जगह पर जाकर के वक्त रहते एंटीवेनम ले लें तो जान बचने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, मतलब जान बच जाती है, उम्मीद रहना तो अलग बात है, जान बच ही जाती है, हर बार बच जाती है जान। लेकिन यहाँ पर इन लोगों से एक गलती हो गई, ये लोग अस्पताल ना जा करके सबसे पहले तो ये लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ गए, उसके बाद ये लोग गए भी तो ऐसी अस्पताल में गए जहाँ पर एंटीवेनम अवेलेबल नहीं था। कुछ लोग सर्पदंश के लिए फर्जी अस्पताल खोल करके बैठे हैं जिन्हें सर्पदंश के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, और वो लोग कुछ अलग तरह की कोई अनाप शनाप दवा पिलाते हैं और बोलते हैं कि इसको पीने से सर्पदंश का असर ख़त्म हो जाएगा और आपकी जान बच जाएगी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर सांप जहरीला सांप काट लेता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके लिए एंटीवेनम ही बेस्ट और इकलौता सॉल्यूशन है। हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो गया और हमने सांप को हर जगह पर ढूंढा, हमने सांप को बाहर ढूंढा, घर के अंदर ढूंढा या घर के आसपास ढूंढा, मतलब जहाँ पर भी कोई बता रहा था कि यहाँ पर सांप मिलने की संभावना है, फिर सांप मिल सकता है, हमने हर उस जगह पर सांप को ढूंढा, लेकिन सांप हमें कहीं पर भी नहीं मिला। और ऐसे में हमें बिना सांप को रेस्क्यू किए यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लोगों को जानकारी दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग लोगों को जागरूक करने का और समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कि अपने तरफ केवल 2 सांप से बचना है, एक कोबरा हो गया जो फन लेता है, दूसरा एक पूरा फुल ब्लैक रहेगा उसमें व्हाइट व्हाइट धारी रहेगी, वो रात को निकलता है 12 बजे से लेके 4 बजे भोर तक वो सांप निकलते हैं। आप लोग कभी भी मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए, बगैर मच्छरदानी का सोइए ही मत। अगर आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे रात के वक्त, तो मच्छरदानी लगाएंगे, आपको मच्छरदानी जरूर लगाना है, मच्छर के साथ साथ सांप और कीड़े मकोड़े भी बचेंगे। और ये जो गलती हुई है दोबारा ना दोहराइए, दोबारा ना हो पाए। वही जो 12 बजे से निकलते हैं रात को, 12 बजे से निकलते हैं 4 बजे भोर तक वो अपना इधर उधर घूमते हैं। कोबरा हर जगह है भैया, पूरे वर्ल्ड में आपको कोबरा मिलेंगे, अपने इंडिया जी हाँ एकदम बिल्कुल सही पहचाने, आप गेहूं बोलते हैं बाहर में बम्बे में सब कोबरा बोलते हैं। हाँ कोबरा इंग्लिश शब्द हो गया, और इसको हिंदी में नाक कहते हैं, हम लोगों की लोकल भाषा जो है गेहूं होता है, कहीं कहीं उसको खरीस कहते हैं, कहीं कहीं उसको पलटू कहते हैं, इतने सारे नाम होते हैं उसको, फिटार भी कहा जाता है, और पंजाब साइड में पद्म कहा जाता है। सीधा हॉस्पिटल, और आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हमें कुछ नहीं काटा है, मैं जाऊंगा सीधा हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगवाऊंगा, सही हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों सांप तो हम लोग कम से कितना देर मेहनत किया, हम लोग कम से कम 3-4 घंटे से तो हो गया, हमारी दशा देख लीजिए कैसा कितना मेहनत हुआ है, और पूरा घर भर सब खोद दिया गया, फिर भी सांप नहीं मिला। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, अभी हम लोग क्या बताएं, मतलब इनके साथ इन लोगों के साथ ऐसी दुर्घट घटना हो गई है। अब आगे से आप लोग भी थोड़ा हम लोगों के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोग जागरूक हों, सीधा हॉस्पिटल जाएँ, ना कि कोई तंत्र मंत्र कोई झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े।